नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रिचा शर्मा। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हड़का दिया। मामला बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से तूल पकड़ा, जब पप्पू यादव ने खुले तौर पर चुनौती दी और एक पोस्ट किया। पप्पू यादव ने पोस्ट में लिखा, ये देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठे चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हुए हैं, कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया और अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को ही खत्म कर दूंगा। तो पप्पू यादव ने ये पोस्ट किया, लेकिन मामला यहाँ से बहुत तूल नहीं पकड़ा। पप्पू यादव ने इसके बाद मुंबई का रुख कर लिया और मुंबई पहुंच गए, जहां से उन्होंने फिर से हड़काया, जेशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी के बेटे से बातचीत की, मुलाकात की और उसके बाद पप्पू यादव ने एक और पोस्ट लिखा। पोस्ट में लिखा, मुंबई से लौट रहा हूं, शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई, उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं हूँ ना, उनसे फ़ोन पर लंबी बात हुई है, वो निडर निर्भीक हैं, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया, हर परिस्थिति में मैं साथ हूँ। जैसे ही पप्पू यादव मुंबई से लौटे, पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से फ़ोन कॉल आता है, जिसमें उन्हें धमकी दी जाती है। कहा यह जाता है कि आपके सारे ठिकानों की हम रेकी कर रहे हैं, कभी भी आपकी जान जा सकती है। और जिसके बाद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है, लेटर लिखा, सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। अब सवाल ये है कि क्या पप्पू यादव को मुंबई जाना भारी पड़ गया? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के साथ पंगा लिया है, उसे आप कैसे देखते हैं? बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।